तो इजरायली सेना ने बहुत बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 19 अप्रैल की सुबह ईरान पर जो हमले हुए हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किए गए हैं। इस रणनीति के पीछे इजरायल का दिमाग बताया जा रहा है। 19 अप्रैल की सुबह ईरान की परमाणु ठिकाने वाले शहर में भीषण धमाके सुने गए और इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट है कि ईरान के सैन्य बेस को नुकसान हुआ है, हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है। अरब के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है और ईरान इजराइल की जंग में आज रात कितनी विनाशक हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस खतरे की आशंका जताई जा रही थी वो सच साबित हो चुकी है। इसराइल ने ईरान पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। इसे अरब से विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। क्योंकि 19 अप्रैल की सुबह इसराइल ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 19 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का जन्मदिन होता है। आज रात फिर ईरान पर हमले कर सकता है इसराइल। अब इसराइल पर ईरान के बड़े पलटवार निश्चित हैं। ये टकराव विश्व युद्ध की आग में बदल सकता है। उन्नीस अप्रैल को ईरान सुप्रीम कमांडर खामेनेई का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसराइल ने 14 अप्रैल के हमलों का प्रतिशोध लेने के लिए इसी दिन को चुना। पांच दिन के अंदर अंदर इसराइल ने ईरान से बदला लेने के लिए बारूदी वर्षा शुरू कर दी। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान के लोगों की नींद सुबह करीब 4:45 बजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटी। ये इस्फहान पर इसराइल का मिसाइल हमला था जिसके धमाके की आवाज कई मील दूर तक गई और इस्फहान की स्काईलाइन पर रोशनी चमक उठी। इसके बाद इस्फहान में धुएं का गुबार उठने लगा। यह मिसाइल धमाके से बना बारूद का मशरूम क्लाउड था। धमाके के साथ ही इस्फहान में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। इधर सायरन गूंजे और उसी के साथ ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। आसमान में उड़ते हुए शोले नजर आने लगे और धमाके गूंजने लगे। इस्फहान पर हमले का मतलब है परमाणु विनाश। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है, यहां परमाणु बम बनाने का काम जारी है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन का काम यहां चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि ईरान के इस परमाणु केंद्र पर मिसाइल नहीं गिरी। मिसाइल गिरी ईरान के इस्फहान सैन्य बेस पर। ईरान के इस बेस पर सैन्य वाहन और सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान को इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट यह है कि टारगेट केवल इस्फहान को ही नहीं बनाया गया है, इस्फहान के साथ साथ ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर ठिकाने वाले शहर फार्दो, मिसाइल लॉन्च पैड अराक, खर्क आइलैंड, बुशहर, बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए। इसके साथ साथ शिराज और तबरेज शहर के ड्रोन गोदामों को निशाना बनाया गया है।
इसराइल ने ईरान पर 19 अप्रैल की सुबह हमलों की शुरुआत की और कुछ देर बाद ही ये हमले रुक गए। सवाल ये है कि हमले कहां से किए गए, तो इसके बारे में दो तरह के अनुमान हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल किया गया है। माना यह जा रहा है कि मोसाद और अजरबैजान सरकार के बीच सीक्रेट डील हुई है और इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि इसराइल को अजरबैजान ने अपना एयर स्पेस और जमीन मुहैया कराई है। दरअसल बॉर्डर से सटे होने के कारण अजरबैजान से ईरान पर हमला करना आसान है। खराब रिश्तों के चलते अजरबैजान को ईरान पहले से अपने लिए खतरा मानता है। दूसरा अनुमान यह है कि ईरान के अंदर कुर्दिस्तान क्षेत्र से ही ड्रोन हमले किए गए हैं। कुर्दिस्तान ईरान का अशांत क्षेत्र है, यहाँ से कुर्द विद्रोही सरकार के खिलाफ जंग छेड़े रहते हैं और ये विद्रोही ईरानी फौज पर हमले करते रहते हैं। माना यह जा रहा है कि विद्रोहियों के जरिए इसराइल ने हमले कराए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने भी ईरान पर हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं, यानी हमले हुए हैं और अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पीछे इसराइल हो सकता है। ईरान पर हमले क्रूज मिसाइल से किए गए हैं, इसके साथ ही क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये छोटे कैमरा ड्रोन बम गिराने के काम आते हैं। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इन्हें ट्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन ईरान का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। इस्फहान या किसी और जगह पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान इन हमलों की गहन जांच कर रहा है। ईरान ने अभी तक यह नहीं माना है कि हमले इसराइल ने किए हैं, ना ही तेहरान ने इस मामले में इसराइल को क्लीन चिट दी है। हमले के वक्त तेहरान, शिराज और इस्फहान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। हमलों के कुछ ही घंटे बाद एयर स्पेस खोल दिया गया। ईरान मीडिया ने हमलों के बारे में कहा है कि छोटे ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वजह से धमाके हुए। ईरान भले सब कुछ सामान्य होने का दावा करे, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पर आज रात इसराइल बड़े हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि बड़े हमलों से पहले इसराइल ने एक छोटा ट्रेलर दिखाया है और उसके पीछे वजह भी है। सत्रह अप्रैल को इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेली ने कहा था कि हमारी मिसाइल फोर्सेस प्रतिशोध के लिए तैयार है, लेकिन स्वभाव के मुताबिक इसराइल स्मार्ट तरीके से काम करेगा। अब ये इसराइल का स्मार्ट मूव यानी चालाकी भरा कदम माना जा रहा है। हमलों के बाद कई तरह की थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि छोटे हमलों से ईरान को उकसाया गया है। इसराइल की जमीन से हमले होने के संकेत नहीं मिले हैं। ईरान ने इसराइल पर पलटवार किए तो इसराइल को बड़े हमले करने का आधार मिलेगा। दूसरी थ्योरी यह है कि छोटे हमले करके इसराइल ने ईरान की डिफेंस क्षमता, रडार सिस्टम और इंटेलिजेंस को परखा है। आज रात बड़े हमले हो सकते हैं। तीसरी थ्योरी यह है कि इसराइल ने ईरानी सेना को कंफ्यूज किया है। आज रात किसी नई लोकेशन पर बड़ा हमला हो सकता है। चौथी थ्योरी यह है कि हमले के लिए सैन्य सर्वेक्षण वाले ड्रोन भेजे गए। इससे ईरान के लोकेशन की मैपिंग और इंटेलिजेंस जुटाई गई है। अब इसराइल ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। तरीका जो भी हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि हमलों के पीछे इसराइल का दिमाग है और युद्ध आरंभ हो चुका है। अगर इसराइल ने बड़े हमले किए या ईरानी जमीन से पलटवार हुए तो महासंग्राम निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।